हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ सर्कल ऑफ विलिस फर्स्ट इज कनजेनाइटल सेरिब्रल एन्यूरिज्म जिसको हम बैरी एन्यूरिज्म भी बोलते हैं एज द नेम सजेस्ट कंजेनाइटल मींस बाय बर्थ एंड सेरिब्रल एन्यूरिज्म मींस ब्रेन की किसी आर्टरी में एन्यूरिज्म अब ये एन्यूरिज्म क्या होता है एन्यूरिज्म इज एक्सेसिव लोकलाइज स्वेलिंग ऑफ वॉल ऑफ एन आर्टरी आर्टरी के किसी पार्ट का स्वेल हो जाना क्या होता है एन्यूरिज्म होता है और इस इसको हम बैरी एन्यूरिज्म इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये किस शेप का होता है बैरी शेप का होता है अगर मोस्टली एट द साइट वेयर टू आर्टरीज आर्ट्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ सर्कल ऑफ विलिस सो मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ यह है हमारा सर्कल ऑफ विलिस यहाँ पे बेसिलर आर्टरी डिवाइड होती है हमारी राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सो आप ये देख सकते हैं जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है उसका क्या है स्वेलिंग हो चुकी है उसकी और ये किस शेप की है बैरी शेप की है इसको हम बोलेंगे बैरी एन्यूरिज्म प्रॉब्लम क्या होता है बेसिक एबनॉर्मेलिटी एट दिस पॉइंट इज कंजनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ ट्यूनिका मीडिया दैट इज इलास्टिक टिश्यू इन द आर्टीरियल वॉल सो जो हमारी आर्टरी होती है पर्टिकुलर प्लेस पे क्या एबसेंट होता है इलास्टिक टिश्यू एबसेंट होता है जिस वजह से वहां से वो आर्टरी स्वेल कर जाती है नेक्स्ट इज सब एरेक्नोइड हेमरेज कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम द रप्चर ऑफ बेरी एनोरिज्म इन इंटरपेडनकुलर सिस्टर्न तो जो हमारा बैरी एनोरिज्म होता है वो रप्चर कर जाता है इंटरपेडनकुलर फोसा में इंटर पेडनकुलर के रीजन में रप्चर कर जाता है और वहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं सब एरेक्नोइड हेमरेज अब सब एरेक्नोइड हेमरेज हुआ उसके बाद क्या होगा पेन होगा हेड में और उसके बाद मेंटल कन्फ्यूजन होगी डेथ में क्विकली अकर और द पेशेंट में सर्वाइव द फर्स्ट ब्लीडिंग ओनली टू डाई फ्यू डेज और वीक्स लेटर या तो एकदम से डेथ हो जाएगी या फिर फर्स्ट ब्लीडिंग के बाद पेशेंट सर्वाइव कर सकता है बट ओनली फॉर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स सो दैट्स ऑल थैंक यू